प्रेशर इंक्रीज होगा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम प्रेशर, मतलब जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एच पे जितने भी पॉइंट्स लोकेटेड होंगे उन पे सेम प्रेशर होगा। तो अब किसी भी दो पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस अगर हम देखेंगे, प्रेशर डिफरेंस, सो प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट, मतलब ये पी सी एंड ये मान लो पी डी है, टॉप टॉप एक पॉइंट लिया सी और डी, तो जो पी डी माइनस पी, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, डी पे प्रेशर ज्यादा होगा, सो पी डी माइनस पी सी इज इक्वल टू एच रो इंटू जी, एच रो इंटू जी, प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट, प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन इंक्लाइंड लेंथ से कोई मतलब नहीं है, दो पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस में कौन सी हाइट आएगी, वर्टिकल हाइट, समझ रहे हो ये बात, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट। बोलो सर, प्रेशर जो पी जो ऊपर कर रहे हैं सर, उसका रीजन कोलिजन है क्या? नहीं, कोलिजन कैसे यार, यहाँ पे कुछ प्रेशर पी है, वेट है, वेट, तो प्रेशर जो है वो वर्टिकल हाइट के ऊपर डिपेंडेंट। अगर वो बोलो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट अगर सर पी के नीचे होता, सी के नीचे होता, तो प्रेशर डाउनवर्ड एक्ट करता उस जगह पे, क्या 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 बोलो, सी जो प्रेशर अपवर्ड एक्ट कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, अगर वो सिलेंडर सी, तो इस प्रेशर का वेरिएशन का ग्राफ, तो ये लिख लोगे ये पॉइंट, प्रेशर डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट, डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट पे दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस डिपेंड करता है, सेम हाइट सेम लिक्विड सेम प्रेशर, सेम हाइट सेम लिक्विड सेम प्रेशर, और P इज इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी। अगर मुझे वेरिएशन ड्रॉ करना है P वर्सेस H का ग्राफ, P वर्सेस H का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है कैसा होगा, P वर्सेस H का ग्राफ, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी है इक्वेशन, ये है यहाँ पे प्रेशर P और ये हो जाएगा H, H इंक्रीज हो रहा है ऐसे, ठीक है, एच इंक्रीजिंग का मतलब क्या, हम लिक्विड में और नीचे नीचे जा रहे हैं, एच इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, हमने एच कैसे लिया है, फ्रॉम द फ्री सरफेस डाउनवर्ड, तो हम लिक्विड में और बिलो चलते जा रहे हैं, और बिलो चलते जा रहे हैं, तो प्रेशर का वेरिएशन कैसा है, ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई इज इक्वल टू ये टर्म जो है एक्स एक्सिस पे क्या है, एच है, तो ये एम एक्स प्लस पी नॉट, तो ये सर्किल का इक्वेशन है, ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्यों है वो सर, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सर, हां स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ये जो है पी नॉट और ये यहां से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन और ये एंगल हो जाएगा थीटा, थीटा, तो टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, रो जी, रो जी, टैन थीटा जो है वो रो जी है, रो जी, तो ठीक है, ऐसा हो गया ग्राफ, ऐसा हो गया इक्वेशन। अब मान लो मुझे इक्वेशन को अप्लाई करना है, किस पॉइंट को हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट, उसी पॉइंट को अप्लाई करना है, प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट, क्वेश्चन ये है कि सपोज कि ये कोई इंक्लाइन ट्यूब है, इंक्लाइन ट्यूब है और एक साइड से ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये जो है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इधर क्लोज्ड है, ये जो है ओपन है और यहां पे ओपन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, ये क्लोज्ड है और ये इस ट्यूब की लेंथ L है, L है, L है, L है, तीनों का इंक्लिनेशन सेम है, थीटा थीटा थीटा, इसमें कुछ पार्ट में लिक्विड है, ये जो है लिक्विड है, ये लिक्विड रो टू है और इस पार्ट में लिक्विड रो वन है
और इस पार्ट में एक गैस है, दोनों के बीच में एक गैस ट्रैप्ड है, पूरा उस सेक्शन में गैस है। इधर एक रो वन डेंसिटी का लिक्विड है, उस साइड जो है रो टू डेंसिटी का लिक्विड है, ठीक है। फाइंड द प्रेशर एट ए बी, या ए यहां से मार्क कर देते हैं टॉप से, कि जस्ट ओपन एंड पे कितना प्रेशर होगा ए, यहां पे प्रेशर कितना होगा बी, यहां पे प्रेशर सी पे कितना होगा, और यहां पे प्रेशर कितना होगा डी पे। फाइंड प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट डी। क्या ए पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो एटमॉस्फेरिक ही होगा, एटमॉस्फेरिक ही होगा, तो वहां पे जो प्रेशर है वो पी नॉट के बराबर है, पी नॉट के बराबर है। बी बी पॉइंट का प्रेशर, तो यहां से एच डेप्थ बिलो आना है, एच डेप्थ बिलो, तो दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस डिपेंड करेगा किस पे, वर्टिकल हाइट पे, इंक्लाइंड पे नहीं। तो वर्टिकल हाइट कितनी हुई यहां से, एल साइन थीटा, L cos theta और L sin theta, तो ये हो जाएगा L sin theta। So pressure at B is equal to P naught plus L sin theta rho into G, L sin theta rho into G। अब प्रेशर इन गैस, क्या गैस में कोई प्रेशर का वेरिएशन है हाइट के साथ, नहीं। गैस में प्रेशर क्या होता है, गैस में तो प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, तो जो बी का प्रेशर है वही हर पॉइंट का प्रेशर है, और वही क्या है सी का प्रेशर भी है। तो यहां से प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एल साइन थीटा, और ये रो जी होगा या रो वन होगा। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही, रो वन होगा, रो वन इंटू जी, रो वन की वजह से भी प्रेशर होगा यहाँ से, है हाँ, ऊपर गैस के वजह से। अबे गैस का ही प्रेशर तो ये है, गैस का ही प्रेशर तो बी है, गैस के वजह से प्रेशर क्या, गैस का जो भी प्रेशर है वही तो प्रेशर यहाँ पे है इस पॉइंट पे। बोलो, कुछ बोल रहा है कोई, नहीं। बी बी का जो प्रेशर है वही सी का प्रेशर है, क्योंकि गैसेस में प्रेशर में नो वेरिएशन विद हाइट, हाइट के साथ कोई भी वेरिएशन यूनिफॉर्म। बी का प्रेशर आपने जब कैलकुलेट किया था तब आप वापस से प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर आप इंक्लूड करेंगे? हाँ, एटमॉस्फेयर पे जो भी होगा, फ्री सरफेस पे जो प्रेशर होगा वो ऐड होगा ना, आया था ना इधर पी नॉट प्लस एच रो जी, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो तो ऐड होगा ना, यहाँ अगर वैक्यूम होगा तो जीरो हो जाएगा, कुछ और गैस होगी तो वो हो जाएगा, फ्री सरफेस का प्रेशर ऐड होगा। डीप, अब सी का प्रेशर मुझे नोन है, सी और डी में प्रेशर लिखना है, तो ये हो जाएगा पी डी इज इक्वल टू पी सी प्लस रो टू, एच एच क्या, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट फिर से एल साइन थीटा होगा, ये हो जाएगा एल साइन थीटा इंटू रो टू इंटू जी, ठीक है, समझे ये बात कि प्रेशर, दो प्रेशर डिफरेंस अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे वर्टिकल हाइट में चेंज के ऊपर, वर्टिकल हाइट में चेंज के ऊपर। गैसेस में प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, लिक्विड्स में वैरी करता है, लिक्विड का ये वेरिएशन है। और ये जो हमने इक्वेशन लिखा, जैसे हम लिख रहे हैं ना कि नीचे जा रहे हैं पी नॉट प्लस एच रो जी, ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन को बोलते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। जो हम लिख रहे हैं ये पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी लिक्विड के थ्रू मूव करते जा रहे हैं, तो ये क्या है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन, मैनोमेट्रिक इक्वेशन।
ठीक है, तो आज के मुख्य समाचार यहीं तक।